जय नमस्कार। आज हम वायु के दूसरा पार्ट लेके फिर से आपको वायु के बारे में बताएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने वायु के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम वायु के कुछ ब्रांचेस पढ़ेंगे, उन ब्रांचेस के जो अध्ययन होते हैं उन अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोशिका टॉपिक यानी सेल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कुछ स्टडी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पेपर में कोशिका का अध्ययन कैसे कहते हैं यानी स्टडी ऑफ सेल कैसे कहते हैं, तो क्या होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये मैं पूरी लाइन लिखूंगा नहीं, जो आंसर है वो उसको लिख दे रहा हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप उसको वीडियो को पॉज करके जो सेंटेंस मैंने बोला कोशिका का अध्ययन आप उसको लिख के इसको सीधा आंसर लिख सकते हैं। ये मैं नहीं क्वेश्चन आंसर ये वाला वो आपका क्वेश्चन था कि स्टडी ऑफ सेल कैसे कहते हैं या कोशिका का अध्ययन कैसे कहते हैं। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका का अध्ययन कैसे कहते हैं लोग, तो साइटोलॉजी को कहते हैं। वैसे देखेंगे ऊतकों का अध्ययन, ये मेरे हिसाब से CGM 2014 या 15 में क्वेश्चन आया था। ऊतक का अध्ययन सामान्य शिफ्ट में आया था। ऊतक के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी यानी टिशू। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग टिशू। तो वो टिश्यूज की स्टडी क्या होती है हिस्टोलॉजी होती है। अगला अंश में देखते हैं कि पेड़ों का अध्ययन, जो पेड़ होते हैं पेड़ों का अध्ययन क्या होता है डेंड्रोलॉजी, जो डेंड्रोलॉजी होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, एक तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पेड़ों का अध्ययन कैसे कहते हैं और एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसी भी पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जाती है। एक क्वेश्चन आया भी हुआ है जो पेड़ में जो बलह होती है यानी पेड़ के छल्ले होते हैं जो पेड़ काटते हैं, उस काटने के ऊपर जो पेड़ के ऊपर छल्ले निकलते हैं उस छल्लों को उस छल्ले से क्या कहते हैं किसी पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। चलो अगला अध्ययन देखते हैं पेड़ों की आयु का अध्ययन यानी किसी भी पेड़ की आयु का अध्ययन। ये जो था पेड़ की आयु कैसे ज्ञात की जाती है और यहाँ पर है कि किसी भी पेड़ की आयु का अध्ययन कैसे कहते हैं। तो जो अध्ययन होता है ये पूरी स्पेलिंग लिखेंगे डेंड्रो तक, डेंड्रो क्रोनो डेंड्रो क्रोनो फिलिंगलॉजी एलोजी वेलोजी पूरा यही नाम है। बीच में क्रोनो शब्द जोड़ दिया। क्रोनो का अर्थ क्या होता है, एक बुक आती है आपने अगर देखा हो क्रोनोलॉजी, क्रोनो का संबंध होता है टाइम से। या कभी कभी ऐसे पूछ सकता है स्टडी ऑफ टाइम क्रोनोलॉजी यानी क्रोनो का शब्द है टाइम से यानी पेड़ की आयु टाइम से रिलेट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेड़ की आयु का अध्ययन क्रोनोडेंड्रो क्रोनोलॉजी। अगला देखते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ स्किन, जो त्वचा होती है हमारी जो स्किन होती है उस स्किन की स्टडी को बोलते हैं हम लोग डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा डर्मेटोलॉजी। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर स्टडी ऑफ क्रॉप्स, जो फसल होती है कोई भी फसल मान के चलो चाहे वो आपकी रबी हो खरीफ हो जैव एक्साइज कोई भी फसल हो उस फसल के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। फसलों का अध्ययन क्या होता है एग्रोनॉमी। जो एग्रो है एग्रो से ही एक शब्द बना है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो एग्रीकल्चर शब्द होता है वो एग्रो से बनकर बना हुआ है। और कभी आपने देखा होगा यूरिया की बोरी होती है उसमें एक नाम लिखा होता है एग्रो एग्रो, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर से ही हमारा यानी जो फसल का अध्ययन है हमारा वो किससे है एग्रोनॉमी से रिलेटेड है यानी एग्रो या एग्रीकल्चर एक ही बात है ठीक है। अब देखो अगला अध्ययन देखो यहाँ पर बीजों का अध्ययन। बीज होते हैं जैसे मान के चलो कोई भी पौधा लगाते तो बीज होते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम डायरेक्ट स्टेम कट कर दे जैसे गुलाब उसकी चीज डाली काट के लगा दे तो हो जाता है। कुछ ऐसे पौधे जिनके बीज होते हैं ये जो बीज होते हैं बीज का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी ये किसका अध्ययन है बीजों का अध्ययन है। या इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों की कि कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है जितने भी लिखाई हैं इनमें मैचिंग डाल सकता है जैसे स्टडी ऑफ सेल या स्टडी ऑफ टिश्यू फिर इन नामों को ऊपर नीचे करके आपको मैचिंग करवा सकता है। या कभी कभी सीधे सीधे ऐसे दे सकता है
या कभी कभी मैचिंग करवा सकता है। अगला देखते हैं अपन, उड़ने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन। उड़ने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन क्या होता है? एक्रोबायोलॉजी। एक्रोबायोलॉजी क्या होती है? कौन सी स्टडी होती है जिसमें हम उड़ने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं? अगला देखो, उड़ने वाले या सॉरी उड़ने वाले उसको बोलो पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जहां चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है, चिड़िया को अध्ययन को बोलते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। ये क्वेश्चन आया पेपर में, लास्ट में टिक लगा दूंगा जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर देखते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन करना या खून का अध्ययन करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ब्लड ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप ओ, इनकी स्टडी की जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, और आपने नाम सुना होगा हेमेटोफोबिया। हेमेटोफोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खून से डर लगता है, उसको बोलते हैं हेमेटोफोबिया। और हेमो का मतलब क्या होता है? ब्लड से रिएक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? जो खून से डर लगे हेमेटोफोबिया, और जो खून का डर होता है उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अगला देखते हैं अपन, हृदय का अध्ययन, हार्ट, हार्ट की स्टडी करना कहलाता है क्या? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, बहुत से डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? वो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, यानी कार्डियो सर्जन, हार्ट की सर्जरी करते हैं। तो कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड वाला। अगला देखते हैं, किडनी का अध्ययन, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, यहाँ बात करें कि जितने भी यहाँ पर अध्ययन लिख रहे हैं इन सबसे क्वेश्चन आता रहता है पेपर में, क्लियर है? एक बार थोड़ा बताते चलेंगे, साइटोलॉजी किसकी स्टडी थी? सेल की थी। हिस्टोलॉजी किसकी थी? टिश्यूज की थी। एक्रोबायोलॉजी किसकी थी? उड़ने वाले जीव जंतु की थी। हेमेटोलॉजी किसकी थी? खून के अध्ययन की थी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्रोनो मतलब डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये किसकी थी? ये थी पेड़ की आयु के अध्ययन की। डर्मेटोलॉजी किसकी थी? त्वचा की। डेंड्रोलॉजी थी पेड़ की। कार्डियोलॉजी थी हृदय की। स्पर्मोलॉजी थी बीज की। एग्रोनॉमी थी फसल की। अगला देखो, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, पोमोलॉजी। यानी ये पोमोलॉजी यानी किसकी स्टडी है? ये फलों का अध्ययन होता है हमारा, फलों की स्टडी को कहते हैं हम लोग क्या? पोमोलॉजी। अगला देखते हैं अपन, अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जितने भी स्टडी है बेसिकली यहाँ पर, ये वो स्टडी है जो पेपरों में आई हुई है। अगर आप स्टडी की खोज करो, मान के चलो कम से कम 1000 अध्ययन है, हमको 1000 अध्ययन नहीं पढ़ने हैं, हमको क्या करने हैं? मेन मेन अध्ययन लगभग 10-15 अध्ययन आपको देख लो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देख ले, क्लियर है? यहाँ पर देखो अगला अध्ययन देखते हैं, कैंसर का अध्ययन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? हमारा कैंसर का अध्ययन होता है, या इसको हम लोग ट्यूमर भी बोल सकते हैं, ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी होता है, क्लियर है? अगला यहाँ पर देखते हैं हम लोग, कवकों का अध्ययन, जो कवक होते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, तो ये कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके अध्ययन में लिख दिए हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब कौन से पेपर में आए हुए क्वेश्चन है? एक नेफ्रोलॉजी ये क्वेश्चन आया हुआ है, साइटोलॉजी बहुत बार आया हुआ है, हिस्टोलॉजी का पूछा गया पेपर में, एग्रोनॉमी पूछा गया है, पोमोलॉजी का पूछा गया है, कार्डियोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, और एक ये जो आपको सर्कल किए हैं पेपरों में पूछे गए हैं, आने वाले 3-4 साल पहले के एग्जाम है उनमें, SSC में ले लो या आपके जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें साइंस के क्वेश्चन ले लो, उन सबसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। चलो अब एक और चीज देखेंगे,
कि हम जो बायो पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमें एक MBBS के सब्जेक्ट की या बोलो कि आप MSc या BSc के बायो की साइड के लेवल बोल लेवल नहीं चल रहा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उन सब में सारे सब्जेक्ट का फैक्ट पूछा जाता है। तो ये सब फैक्ट है हमारे, या बोलो कि सब डिटेल है, फैक्ट चल रहा है बस। और जितने भी GS का मतलब ही होता है जनरल स्टडी, जनरल साइंस, या जो चाहे बोलो जनरल स्टडी, हिस्ट्री की जनरल स्टडी, जनरल साइंस बोलो तो साइंस के फैक्ट की स्टडी करनी है, पूरी बायो की स्टडी नहीं करनी है। क्लियर है? चलो अगले इसमें टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिका यानी सेल के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था सेल का अध्ययन, तो सेल का अध्ययन क्या होता है, सेल का अध्ययन क्या होता है, होता है साइटोलॉजी, यानी कोशिका का अध्ययन क्या होता है, साइटोलॉजी, सेल क्या बोले इसको, कोशिका, कोशिका अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोशिका क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि जीवन की सबसे छोटी या किसी भी जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल संरचना और कार्य की सबसे बेसिक इकाई क्या होती है, सेल होता है। और सेल की स्टडी क्या होती है, साइटोलॉजी होती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सबसे छोटी इकाई जो लाइफ की होती है, ह्यूमन की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, सेल होती है। यानी हमारी बॉडी में सबसे छोटा क्या है, सेल है। सेल से बड़ा क्या है, टिश्यू है। टिश्यू से बड़ा क्या है, ऑर्गन है। और ऑर्गन से बड़ा क्या है, हमारी पूरी बॉडी है हमारी। क्लियर होती बात। चलो अब देखो कि जो कोशिका है, कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था, नाम क्या था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक के साथ साथ कुछ नाम और आते हैं हमारे कोशिका से रिलेटेड। जैसे आपको पता हो कि कोशिका से संबंधित सिद्धांत जो था वो किसने दिया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका से संबंधित सिद्धांत वो किसने दिए थे, एक दिया था स्लाइडिंग ने और एक दिया था स्वान ने। ये दो नाम और है हमारे, एक है स्लाइडिंग और एक है स्वान। इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, क्या प्रिंसिपल दिया था, इन्होंने बताया था प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनता है और हर जीवन की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है, ये सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया था। अब देखो और क्वेश्चन पूछे थे पेपर में, सबसे लंबी कोशिका क्वेश्चन आता है पेपर में कि सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, एक आता है क्वेश्चन सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और आने वाले टाइम में संभावना है इनकी। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच के एग की। ये तो होगा सबसे बड़ी और सबसे लंबी क्वेश्चन कर लिया, पूछ लेता सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे
छोटी कोशिका है। पीपीएलओ या बोले इसको माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रो प्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी, माइक्रो प्लाज्मा की होती है। हमारी बॉडी में सेल है, सबकी बॉडी में सेल है, प्लांट में भी सेल होते हैं, जितने भी लिविंग है उन सब में सेल है, कोई ऐसा लिविंग होगा जिसमें सेल ना हो, सब में सेल होते हैं। अगर सेल नहीं होगा तो क्या होगा, टिश्यू नहीं होगा, टिश्यू नहीं होगा तो क्या होगा, ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी नहीं होगी। क्लियर है? तो ये कुछ मेन मेन क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ जाते हैं। पेपर में आप लोगों के सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कोशिका से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोशिका के प्रकार या कोशिका के टाइप की। कोशिका बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी में कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, तो आसान बात है, याद रखोगे यू, यू यानी तुम कौन हो, इंसान हो, इंसान में कौन सी कोशिका है, यू वाली कोशिका अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका है। अब ये जो यूकैरियोटिक कोशिका मनुष्यों में पाई जाती है ना, याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका ये किसमें पाई जाती है, छोटे छोटे वायरस, वायरस या बात करें बैक्टीरिया या बात करें कोई भी फंगस या एक्सवाईजेड जो भी कीट पतंग होते हैं उन सब में जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, इंसेक्ट्स बोल सकते हैं जितने छोटे छोटे कीड़े पकौड़े होते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिका वो भी क्या करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली जो होती है उसको बोलते हैं लोग एनिमल सेल, एनिमल सेल, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं लोग जंतु कोशिका और इसको हम लोग बोलते हैं पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप, जो अब मैंने आपको बताया था कि हमारे में यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक कोशिका में भी कौन सी कोशिका है, एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। तुमको पता होगा कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो पेड़ पौधे से नहीं हुई, हमारी उत्पत्ति जानवर से हुई है। हम लोग आज इंसान है, इंसान से पहले हम लोग क्या थे, बंदर थे या बोलो बनमानस थे, उन्हीं से होमो सेपियंस नाम लिया गया है। आप अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम नेट पे डालेंगे होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस की शक्ल जो है बिल्कुल बंदर से मिलती है, क्योंकि हम लोग जो पहले थे वो बंदर से ही हमारा एवोल्यूशन हुआ है हमारा पूरा। तो हम लोग जो है वो एनिमल सेल के अंतर्गत आएंगे और जितने भी प्लांट्स हैं वो सब प्लांट सेल के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? अब देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ डिफरेंस होता है। हम ये बोले कि ना जो पौधे के अंदर सेल है वो हमारे अंदर सेल है, नहीं, ये जो हमारे अंदर सेल है वो पौधे के अंदर सेल है, नहीं। कुछ कुछ पार्ट क्या होते हैं, अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ बात करें लाइसोसोम, यहाँ बात करें राइबोसोम, यहां बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, यहां बात करें न्यूक्लियस और हम बात करें गोल्जी बॉडी। ये कुछ नाम है जो एनिमल सेल है, हमारे सेल उनमें भी सब पाए जाते हैं। प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल की बात करते हैं तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति,
इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल वॉल। अभी इन सबके बारे में मैं करके समझाऊंगा कि किसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, किसे सुधार करो सेल बोलते हैं, इस आंचे भी समझाऊंगा डायग्राम के साथ। उससे सेल वॉल होता है, इसके साथ साथ हम बात करें लवक प्लास्टिड। प्लास्टिड से क्वेश्चन आता है प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक के भी टाइप है। प्लास्टिक तीन प्रकार का होता है, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये तीन लवक होते हैं, इसको बोले हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अब इसको हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, नाम सुना हो क्लोरोफिल, क्लोरो से बना हुआ है। हम बात करें इसको कलरफुल बोलते हैं, इसको कलरलेस बोलते हैं, क्लियर पूरा। चलो अब देखो उसमें एनिमल सेल, प्लांट सेल, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम लिख दिए मैंने जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़े इनकी छोटे रफली डायग्राम बना के देखेंगे और थोड़ा उनको समझेंगे इनके काम के बारे में। देखिए एग्जाम्पल मान के चलो, देखो आप सेल को चाहे तुम ऐसे बना लो चाहे ऐसे करके बना लो, क्योंकि सेल की कोई निश्चित इकाई, कोई निश्चित शेप नहीं होता है। चाहे आप ऐसा बनाओ चाहे आपको ऐसा बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं। आप ऐसा बना रहे हो या आपको इधर स्क्वायर के रूप में बना रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि सेल की कोई निश्चित शेप नहीं होता है, देखो इसमें एक लेयर होती है, एक लेयर होती है, एक बीच में होता है, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो बाहर वाली लेयर होती है इसको लोग बोलते हैं सेल वॉल, ये वाली को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, इसको बोलते हैं राइबोसोम, इसको बोलते हैं गॉल्जी बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। अब इसको समझते हैं एक एक पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर थोड़े और पार्ट है, इसको बड़ा करके बना देता हूँ। जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का होता है, इसके अंदर एक संरचना होती है, इस संरचना को बताएंगे कौन सी संरचना है, ये डीएनए की संरचना है। इस डीएनए के अंदर क्या होता है, कई सारे जीन्स मौजूद होते हैं, ये जीन्स है, इसमें भी है जीन्स है, छोटा सा बड़ा करके बनाया। और इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना होती है, धागा होता है, इस धागे जैसी संरचना होती है। अब यहाँ पर ये तो था क्या, केंद्रक या न्यूक्लियस, ये जो है संरचना इसको बोलेंगे हम लोग डीएनए, और ये डीएनए के ऊपर क्या है जीन, और ये जो अंदर जो धागा है इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन,
क्रोमोटिन। क्लियर है, इन चारों को भी समझेंगे, केंद्र क्या होता है, डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोटिन क्या होता है। अब देखते हैं सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल का क्या काम होता है? पहली चीज, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। सेल वॉल का काम होता है कि कोशिका के अंदर किसी भी कोशिका के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका काम होता है किसी भी भारी पदार्थ को अंदर आने से रोकना, तो कोई भी भारी पदार्थ को बाहर जाने से रोकना। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो बनी होती है, ये बनी होती है अर्धपरागमय या सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अर्धपरागमय, ये क्वेश्चन पूछे गए दोनों पेपर में कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, अर्धपरागमय। अर्धपरागमय क्या होता है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे जो प्याज छीलते हैं तो प्याज के छीलते में जो व्हाइट कलर की लेयर निकलती है, जो बॉल अंडा खाते हैं तो बॉल अंडे में जो व्हाइट कलर की लेयर निकलती है, उस जो जिसमें से ट्रांसलूसेंट होता है, आधा दिखाई पड़ता है, आधा बाहर नहीं दिखाई पड़ता, उसको बोलते हैं क्या, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अगला बात करते हैं इसमें गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी, तो पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, गोल्जी बॉडी होता है कुछ इस तरह के ट्यूब से बने होते हैं, ये जो है कुछ इस तरह के इसमें ये ट्यूब से बने होते हैं इस तरह के, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, इन ट्यूब्स के रूप में प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं, यातायात प्रबंधक या तो ये ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यातायात प्रबंधक भी बोल सकते हैं इसको, या ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। क्लियर है, अगले बात करते हैं इसमें राइबोसोम की। तो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम से क्वेश्चन आता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, यानी राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। क्लियर है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं, या राइबोसोम की खोज किसने की थी, वो की थी पैलाडे ने की थी। अगला बात करते हैं लाइसोसोम, तो लाइसोसोम क्या होता है, पहला क्वेश्चन लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज की थी हमारी डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब लाइसोसोम क्या करता है, इसका काम होता है किसी भी कोशिका के अंदर अगर कोई भारी पदार्थ आ रहा है, उस भारी पदार्थ को घेर के नष्ट कर देना, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे द्वारा। लाइसोसोम का काम होता है किसी भी भारी पदार्थ को जो कोशिका के अंदर एंटर कर रहा है उसको घेर कर नष्ट कर देना, वो काम करता है लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन सुसाइड वेब ऑफ सेल, यानी कोशिका की आत्महत्या थैली। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, वो कहते हैं लाइसोसोम को। अगली हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म होता है केंद्र, इस सेल के अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड भरा होता है, तो लिक्विड को कहते हैं वो क्या, साइटोप्लाज्म। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो हम भोजन करते हैं, भोजन जो करते हैं उसमें कौन सी एनर्जी होती है, उसमें एनर्जी होती है बायोलॉजिकल एनर्जी, यानी जो भोजन करते हैं सॉरी उसमें जो एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी, भोजन जो हम करते हैं उसमें होती है केमिकल एनर्जी, तो भोजन करते हैं उसमें होती है केमिकल एनर्जी, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस केमिकल एनर्जी को जैविक ऊर्जा, उस केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी, बायोलॉजिकल एनर्जी में बदल देता है। और जो बायोलॉजिकल एनर्जी हमारी बॉडी में आई, ये किस सब्सटेंस में स्टोर होती है, ये स्टोर होती है हमारी एटीपी के रूप में,
एटीपी के रूप में, एटीपी का फुल फॉर्म पेपर में पूछा था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का पूरा नाम है, ठीक है, आता है पेपर में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में एटीपी को फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर होता बात। आगे देखते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक अभी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था केंद्रक की खोज किसने की थी, पिछला जो पार्ट था उसमें आपको बताया था केंद्रक की खोज, मैंने आपको बताया था तीन रोबोट आए हमारे इस बायो में, तीन रोबोट के नाम आए, एक तो थे हमारे कौन, रॉबर्ट हुक कोशिका से संबंधित, और दूसरा है हमारे कौन, रॉबर्ट कोच, टीवी और कोलरा की खोज की थी, और एक आए थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कि जो न्यूक्लियस है ये कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और केंद्रक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस का। इसमें देखो न्यूक्लियस में कई सारी चीजें होती हैं, सबसे पहली चीज क्या होती है, हमारी डीएनए जो होता है, डीएनए यानी जो डीएनए होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा। क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है पेपर में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे भाई डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। और लगे हाथ आरएनए का भी फुल फॉर्म देख लो, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है आरएनए का। क्लियर है। अब देखो जो डीएनए थे, जो डीएनए का पहले द्विकुंडली संरचना, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, आप सबको पता होगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए है वो किससे मिलकर बनता है, वो जीन से मिलकर बनता है, कई सारे जीन्स को मिला के क्या करते हैं, डीएनए का निर्माण होता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो जीन्स होते हैं, जीन्स किसे कहते हैं लोग, जीन्स क्या होता है, जैसा आपको पता होगा कि आपके माता पिता या आपके भाई बहन, आपकी सकल फैमिली में किसी ना किसी से मिलती है, या तो माँ से मिलेगी या पिता से मिलेगी या नानी से मिलेगी, या कुछ हैबिट्स कुछ आदतें जो आपकी माँ बोलते हैं घर पे बोलते हैं कि इसने बाबा में गया है, या क्या बोलते हैं ये अपने छोटे भाई में गया है, ये पापा ये जैसे गया है, आपने कभी सुना कि पड़ोसी में गया है, नहीं सुना होगा नहीं, क्योंकि जीन जो होता है वो फैमिली को रिलेट करता है हमारा। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज देखेंगे यहाँ पर कि किसी भी बच्चे का डीएनए, किसी भी बच्चे का डीएनए सबसे ज्यादा किससे मैच करता है, किसी भी बच्चे का डीएनए किससे मैच करता है, नॉर्मल सी बात है, फादर एंड मदर, मम्मी पापा से मैच करेगा सबसे ज्यादा, उससे कम जो आपके भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे उनसे मैच करेगा, उससे कम थोड़ा चाचा ताऊ मामा नानी नाना एक्सेट्रा इनसे मैच करेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, आपका कभी भी डीएनए आपकी चाची से मैच नहीं करेगा, आपका कभी भी डीएनए आपकी ताई से मैच नहीं करेगा, आपका कभी भी डीएनए आपकी मामी से मैच नहीं करेगा, आपका डीएनए कभी भी फूफा से मैच नहीं करेगा, बुआ से मैच करेगा, यहाँ बुआ से मैच करेगा डीएनए, क्यों भाई, क्योंकि जो बुआ है वो हमारे पिताजी की तो बहन है, यानी जो फादर में खून है वो कुछ खून बुआ में होगा, यानी दोनों का कनेक्शन है, तो उनका कनेक्शन थोड़ा हमारी बॉडी में भी होगा, लेकिन हम बात करें फूफा की, बात करें फूफा का कनेक्शन जो है वो हमारी फैमिली से नहीं है, ठीक है, तो इनके जो जीन्स है वो हमसे मैच बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखते हैं तो जीन्स के बारे में समझ गए आप लोग, चलो अब यहाँ पर देखो ये जो संरचना मैंने बनाई थी, इसमें इस संरचना में ये तो जीन्स थे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, और ये डीएनए था, और ये जो ऐसे धागा सा था, इस धागे को हमने क्या बोला था, क्रोमोटिन बोला था, क्रोमोटिन बोला था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है
क्रोमेटिन बोला था, बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस न्यूक्लियस को पूरा कंप्लीट कर देंगे और वहां से आपको जो केंद्र जो कोशिका वाला पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। देखिए अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियस में डीएनए जीन्स और क्रोमेटिन के बारे में देखेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन के समय सेल डिवीजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़ कर क्या बनता है, क्रोमेटिन सिकुड़ कर क्या बनता है, ये बनता है हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गुणसूत्र, गुणसूत्र। अब गुणसूत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, या बोलो आप बंदरों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें 46, 46 के दो पेयर 23, 23। बंदर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, बंदरों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, ये होते हैं हमारे 42, ये जो होते हैं 21, 21 के। हम बात करें चिंपांजी, यहाँ बात करें चिंपांजी में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये होते हैं टोटल 48, कितना पेयर 24, 24 का पेयर होता है। जिस भी जीव के जिससे गुणसूत्र मैच करेंगे उसका रिलेशन उसी से बना होगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग किस जानवर से उत्पन्न हुए हैं, या आप ऐसे बोलो किस जानवर से हमारा विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, तो हमारा इन मंकी का जो भी फैमिली है उनसे हुआ है, क्योंकि इसके 42, इसके 46। और अगर मैं आपसे कहूँ कि चिंपांजी और बंदर में हम सबसे ज्यादा क्लोज किसके हैं, तो हम चिंपांजी के हैं, क्योंकि यहाँ दो गुणसूत्र का ही अंतर है। क्लियर है बात। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, ये आपकी पूरी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।